अब यहां एक सिंबल आपको थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा, वो परेशान क्या करेगा समझिएगा ध्यान से। इसका नाम है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है भाई समझिएगा, बिलोंग्स टू का मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। आप एक परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन होगा ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका एक फैमिली है, एफ है, फैमिली में होंगे आप यानी मैं खुद, ठीक है। उसके बाद से होंगी माता जी होंगी, पिताजी होंगे, उसके बाद से भाई बहन, यही ना, ध्यान से समझेगा इसको। एक फैमिली है इसमें है। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, हम अपने बारे में बात करें तो बताइए हम अपने फैमिली के ग्रुप में से आते हैं कि नहीं। हमारी बहन हमारी फैमिली के ही ग्रुप से आती है ना, तो पूरा फैमिली का ग्रुप में से अगर हम आते हैं तो लिखेंगे कि मैं आता हूं, आता हूं यानी बिलोंग करता हूं, कहां से, फैमिली में से। किससे आता हूं, अपने फैमिली से आता हूं। अगर सिर्फ पिताजी की बात करें तो पिताजी भी आते हैं, यानी पिताजी भी आते हैं किससे, अब फैमिली से ही इसमें से आते हैं। यानी कि पूरे ग्रुप में से अगर कोई भी नंबर अगर पूछा जाए तो उसको बिलोंग्स टू कहते हैं। यानी कि अगर बहन का बात, बहन भी पूरे फैमिली से आती है ना, तो लिखेंगे बहन बिलोंग्स टू फैमिली, यानी फैमिली से बहन आती है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल के जरिए समझे तो क्वेश्चन देखो रियल क्वेश्चन देता कैसे, कह देगा सेट ए एक दे दिया गया है, 1 2 3 4 5, तो बताइए इसको कैसे लिखेगा। आप तो लिख सकते हैं, आप 2 बिलोंग करता है किससे, सेट ए से। आप लिख सकते हैं कि नहीं कि जो 2 है किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। इतना मतलब समझिए पूरे सेट में 2 आता है, पूरे सेट में 4 आता है, तो ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है इसी सेट का ये हिस्सा हो, ठीक है। तो ये आप बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए बाबू, इसी में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन देखिए कभी भी क्वेश्चन विजुअल फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट फिगर दे के नहीं देता है, ठीक है। आपको खुद फिगर बिल्ड करना पड़ता है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा। बाप रे, इसको देख के माथा खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बला दे दिया। पहले तो ये समझे में नहीं आता है कि क्या क्या लिखा है, ये क्या बला है, और इसके बाद से इसको बना करके एक सेट को, अपने से 2 सेट को बनाते हैं, ठीक। और वो दोनों सेट जब बन जाएगा तब तो आंसर आ ही जाएगा। अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में अगर सेट दे दिया है, आराम से प्यार से ऐसे दे दिया है, तो समझिए कि आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आप उसका डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, इनकी प्रांत बता सकते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो परिचर। लेकिन वो ऐसा देता ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आखिरकार हम ये क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म नहीं, विजुअल फॉर्म कैसे बदल सकते हैं, बना सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक। यहां बोल रहा है कि एक सेट दिया है ए, कौन सा सेट दिया है, एक सेट का नाम है ए, जिसका नाम है सेट ए में दिया है 2 -2 0 और 1, इतना समझ में, इसका नाम है सेट ए, ठीक। एक सेट दिया है बी, कौन सा सेट है, बी, ध्यान से समझिएगा। आई दोनों में क्या है, रिलेशन है ए से बी, एक रिलेशन मैंने रिश्ता जोड़ दिया, इसका नाम रिलेशन हो गया। अब ध्यान से समझना इस बात को, यहां पे समझिएगा, जो रिलेशन है एक्स और वाई, समझिएगा इस वाले इलाका को, हम लोग आपको बताया था इस वाले इलाका को एक्स कहते हैं, और जो हमारा आंसर मिलता है, जो हमारा आगे प्रोजेक्टर पर जो फिल्म चलता है उसको हम लोग आगे वाले को कहते हैं वाई। इस पूरे सेट के अंदर वाले को वाई बोलेंगे, इस वाई, ये एक्स है, एक्स है, एक्स है, अंदर वाला वाई। बी में क्या है, 0 है 1 है 2 है 4 है, सेट बी में इतना नंबर है। अब समझिएगा, कह रहा है कि जो एक्स जितना भी है ए वाले सेट में रहेगा, यानी कि पूरा सेट ए है, और सेट ए से बिलोंग करेगा कौन, एक्स। ये सब क्या है, ये भी एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, पूरा का पूरा सेट ए में एक्स बिलोंग करेगा, और पूरा सेट बी जो भी है उसमें क्या आएगा, ये सब वाई आएगा, इतना समझिएगा। अगर एक्स का मान पूछा जाएगा तो सेट ए से भरना है, अगर वाई का बोलेगा तो आप क्या आ जाना चाहिए, सेट बी आना चाहिए। और रिलेशन आपका ये वाला मेन दे दिया है, ठीक है, ये वाला क्या दिया, मेन क्वेश्चन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माई बराबर में वाई, समझिए अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या दिया है, वाई दिया है, ठीक। अब आप एक्स का मान इसमें से भरेंगे, अब वाई का मान देखिए क्या मिल रहा है, समझिए ध्यान से, एक्स का मान इसमें से भरेंगे वाई का मान, अगर एक्स का मान 2 भरते हैं, एक्स का मान 2 भरिएगा, यहां 2 का कीजिएगा स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4, y बराबर क्या आ गया, 4, ध्यान समझिएगा। अगर x का मान हम 2 भरे थे, इनपुट किए थे इसमें, तो क्या y का मान 4 आया था, 2 का रिलेशन किससे हो गया, 4 से हो गया। अगर x का मान -2 भरते हैं तो भी कितना होगा, y का मान 2 का स्क्वायर 4 ही होगा,
दो का स्क्वायर क्या होगा, चार ही होगा। अगर इसमें एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट आप मन मन भरिए, एक्स का मान अगर जीरो भरते हैं तो जीरो, एक्स का मान अगर जीरो तो वाई का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। रिश्ता जुड़ रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए अगर एक्स का मान वन रखते हैं, क्या रखते हैं वन, तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। अब कोई समझ में आया रिश्ता कैसे जुड़ा, तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, वन का रिलेशन एक, टू का रिलेशन सेट ए में, टू का रिलेशन चार के साथ, ठीक, माइनस टू का रिलेशन भी चार के साथ, जीरो का रिलेशन जीरो के साथ, वन का रिलेशन वन के साथ, है कि नहीं, वन का वन के साथ। तो अब तीनों ये अंतर आप समझ जाएगा। आप देखिए शुरू में क्वेश्चन ऐसे दिया था, ऐसे दिया था ना, सेट ए और बी दोनों दे दिया था, रिलेशन आपको ये वाला दे दिया था, देख लीजिए क्वेश्चन आपको ये दिया था, अपने से हम देख के ये बनाए और इससे मिला तो ये बनाए। तो जो ये क्वेश्चन जो सबसे भारी था, इसके द्वारा हमने एक दो सेट बनाया, तो इसके द्वारा दो सेट बिल्ड किए, बनाने का मतलब क्या होता है, बिल्ड किए। तो इस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, समझना, ये जो टॉफ लैंग्वेज है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट बना ये दिखने लगा, तो इसको बोलते हैं विजुअल, वी आई एस यू एल, क्या लिखा है, विजुअल फॉर्म, समझ में आया। जो ये लास्ट में अपने से वर्ड लिख देते हैं ऐसे, किसके किसके साथ रिलेशन लिख के दर्शा देते हैं, उससे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मशीन हमारा क्या था, यही था ना, इसमें एक्स डाल रहे थे, हमारा वाई निकल रहा था, एक्स डाले दो तो वाई निकला चार, एक्स माइनस दो तो वाई। तो जो ये मशीन है हमारा, एक तरह से एक भाषा में समझ ले तो इसे हम क्या बोलेंगे, मशीन। भाई ये तो फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मशीन एक फंक्शन है ना है जी। आप बताइए मोबाइल आप चलाते होंगे, तो मोबाइल चलाते होंगे तो क्या, एक दबाते हैं तो एक ही काम करता है कि नहीं, दो दबाते हैं तो दो, या फिर घर में भी फंक्शन लगा रहता है क्या, नंबर एक वाला बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगा, दो नंबर दबाएंगे तो फैन चलेगा, तो कितना अच्छा फंक्शन सेट रहता है ना, बड़ा अच्छा फंक्शन लगता है। अगर एक नंबर दबाएं लाइट भी जलने लगे फैन भी चलने लगे तो वो फंक्शन नहीं है भाई, वो फंक्शन ही खराब है, तभी जल रहा है ऐसा, तो इस कंडीशन में होता है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आए, इस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि ये वाला आपको समझना होता है, और इस फॉर्म को कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है। और इस जो इस रूप में लिख देते हैं रिलेशन, इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो डाल रहे थे, इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रांत। आज जो हमारा आंसर आया सब, इसे हम लोग बोलते हैं परिसर। तो फिर कहेगा सर सहप्रांत किसे कहते हैं, तो बड़ी दुख की बात है कि इसमें सहप्रांत है ही नहीं। सहप्रांत का मतलब, अब एक तरह से इसको ही हम लोग सहप्रांत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सहप्रांत, ठीक, क्योंकि पूरा का पूरा सेट बी को हम लोग सह प्रांत कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन में सेट बी में ऐसे रहता, जीरो भी रहता, एक भी रहता, दो भी रहता, चार भी रहता, और सबका रिलेशन किसी से रहता, लेकिन पांच का रिलेशन किसी के साथ नहीं रहता, तो हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरे बी सेट को हम लोग सह प्रांत कहते हैं, ठीक। लेकिन जिससे रिलेशन जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, परिसर और सहप्रांत दोनों एक है। सेट बी को क्या कहते हैं, सहप्रांत, तो सहप्रांत तो पूरा का पूरा है ही है, ठीक है। अब परिसर किसको कहते हैं, जिससे रिश्ता जुड़ा, तो देखिए तो सबका रिश्ता, सब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड। एक मिनट रुक जाइए, वेट वेट, यहाँ पे जो दो है ना, समझिएगा, यहाँ पे जो आपका दो है ये तो कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला एक खाली है, ध्यान से देखिए ये वाला। तो आप यहाँ पे प्रांत क्या क्या लिख सकते हैं, प्रांत आपका हो जाएगा दो माइनस दो जीरो और एक, ठीक है, ये वाले को प्रांत कहते हैं। पूरा को क्या कहते हैं, सहप्रांत, सहप्रांत, पूरा को क्या बोलते हैं, सहप्रांत। सहप्रांत क्या है, जीरो एक दो चार, ठीक। लेकिन परिसर किसे कहते हैं, परिसर, परिसर का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस बी वाले सेट में ही परिसर होता है, लेकिन ये बी वाला सेट ए से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए ए से कनेक्टेड जीरो है, ए से कनेक्टेड ये वन है, दो कनेक्टेड नहीं तो दो नहीं, जो कनेक्टेड रहता है उसी को परिसर कहते हैं। तो ये आपका हो गया परिसर, इस वाले को प्रांत, और पूरा का पूरा सेट बी को, ठीक है, क्या बोलते हैं, सह प्रांत कहते हैं। तो आपको
प्रांत, परिसर, सह प्रांत, उसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आया होगा। अगर लगा हो शानदार तो वीडियो को लाइक करो एक बार। और मेरे बाबू आपको बता दे रहे हैं, इतना प्यार से पढ़ाएंगे ना, ठीक है, कि जबरदस्त तरीका से आपका रिजल्ट भी होगा और हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेगा, अरे यार रिलेशन में क्या है, रिश्ता जोड़ दो, रिलेशन है, ये सब रिलेशन है कि नहीं, देखिए रिलेशन जुड़ा है ना, ठीक है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। अरे सभी तो रिलेशन ही है, माँ के साथ जुड़े तो एक प्रकार का अलग रिलेशन है, ठीक है, सिस्टर के साथ है तो सिस्टर और भाई का रिलेशन है, तो रिलेशन तो सब है लेकिन नाम अलग अलग है, नहीं कि भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, तो इस रिश्ते का नाम अलग अलग है, तो इस रिश्ते का नाम क्या दें, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, उसी में आपको मिलने वाला है आइडेंटिटी रिलेशन मिलने वाला है, बहुत सारे फ्लेक्सिव मिलने वाला है, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।